मारीना संदेश लाइव। आज हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे बीच में हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर एके गुप्ता साहब मौजूद हैं, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में ये हड्डी वाला केस बढ़ा है या घटा है? लॉकडाउन में तो हड्डी वाला केस डेफिनेटली घटा है, क्योंकि पेशेंट को आने जाने की भी काफ़ी दिक्कत थी, जिसके वजह से आना भी कम हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जो आरटीए के केस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जब लॉकडाउन में गाड़ियाँ ही नहीं चली तो वो भी केस कम हुए, जिनके वजह से फ्रैक्चर होते रहे। फिर डोमेस्टिक टाइप के, जो डोमेस्टिक फॉल के केस थे, जो आमतौर से ओल्ड एज के लोगों में होता है, वो भी कम हुए, या कहीं कम भी कुछ फ्रैक्चर भी हुए तो लोकल स्तर पे जो भी उनका मैनेजमेंट होता रहा वो वहीं पे कराएं, अपने तक आए नहीं। फिर समय समय पर सरकार की तरफ से भी बहुत सारे गाइडलाइन थे कि भाई कोविड 19 के टेस्ट होने के बाद या किट पहन करके करना है या ओटी नहीं करना है, उसको भी संज्ञान में लेते हुए हॉस्पिटल के लोगों ने काम नहीं किया, जिसके वजह से भी काफ़ी असर पड़ा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने अस्पताल का सही पता बता दें, कहाँ पे आपका अस्पताल है? हमारा हॉस्पिटल श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के नाम से पुरानी तहसील चौराहा, जो कि शहादतपुर मोहल्ले में स्थित है, NH 29 पे स्थित है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो पेशेंट इस स्थिति में आते होंगे, उनको तो एम्बुलेंस से ही लाया जाता होगा या वो अपने साधन से आते हैं? नहीं, कुछ अपने से भी आते हैं, कुछ एम्बुलेंस से भी आते हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम अपने से ही आते हैं। आपके एम्बुलेंस की व्यवस्था है? हाँ, हमारी खुद की एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तो क्या आपके यहाँ भी वो सिस्टम चलता है जो एम्बुलेंस से मरीजों को लाने पर अतिरिक्त चार्ज बढ़ जाता है, या क्या सिस्टम है? नहीं, हम अपने यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, एम्बुलेंस वालों को कोई पैसा नहीं देते। जैसे एम्बुलेंस में एक ये बात चल रही है कि जो डॉक्टर के यहाँ एम्बुलेंस लेके जाती है, उनको एक घंटे में 10,000-20,000 की उनका जोड़ करके अतिरिक्त भाग दे दिया जाता है, क्या इसकी सत्यता है, क्या मामला है? नहीं, ये बात सही है कि जितने भी मऊ में मैक्सिमम जो एम्बुलेंस वाले हैं, किसी के एम्बुलेंस 5 है, किसी के 7 है, किसी के 3 है, वो पेशेंट वहीं पर गिराते हैं जहाँ पर उनकी सेटिंग होती है, और उस सेटिंग का परिणाम ये होता है कि एक पेशेंट के पीछे उनको 8,000-10,000 रुपया वो लेते हैं, वो भी एक से आधे घंटे से एक घंटे के अंदर हॉस्पिटल जो संचालित करते हैं लोग देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो ट्रीटमेंट पेशेंट का 5,000-7,000 रुपये में होना होता है, वो बढ़ करके 30,000-35,000 रुपया एक घंटे में बिल बन जाता है, जो कि सामान्यतया हमेशा अनुचित ही है, क्योंकि कोई ऐसा मरीज की बीमारी नहीं है तो जो पेशेंट चलते हुए एम्बुलेंस में आवे और एक घंटे में उसका 30,000-35,000 रुपया बिल बन जाए, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आपके यहाँ भी इस तरीके के एम्बुलेंस वाले आते होंगे, आपके यहाँ भी कुछ सेटिंग वेटिंग की बात करते होंगे? हाँ, हमारे यहाँ लोग प्रयास किए, बहुत सारे लोग टच में रहे, लेकिन हमने कहा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हम पैसा देते ही नहीं। जो दर्शक हमारे, आप हमारे दर्शकों से कुछ बताना चाहेंगे, जागरूक करना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आम तौर से वो पहले से ही अपने स्वविवेक से अपने किस डॉक्टर को दिखाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने बताए अनुसार ही, यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल में जाना है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसका नंबर नहीं है, उनसे खुद डायरेक्ट बात करके कर सकते हैं, भाई मैं पेशेंट को आपके यहाँ दिखाना चाहता हूँ मैं एम्बुलेंस, ताकि वो जो बीच की जो कटिंग वाली स्थिति है, जो एम्बुलेंस वाले अनायासी उनके ऊपर अतिरिक्त चार्ज हो जाता है, वो कहते हैं हम पेशेंट को लाए हैं इसलिए हमको चाहिए वो 8,000-10,000 रुपया, जो कि पेशेंट को जानकारी नहीं होती कि ये पेशेंट का जो हमारा इलाज का पैसा मैं दे रहा हूँ उसमें ऑलरेडी 8,000-10,000 रुपया अतिरिक्त जो हॉस्पिटल वाला हमको देता है, वो ऑलरेडी किसी न किसी बहाने से ही उसी पेशेंट के ऊपर ही चार्ज होता है। इस वजह से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कास्ट है वो ऑटोमेटिकली 2-3 times बढ़ जाता है। इसमें हम चाहेंगे कि भाई प्रशासन को भी इस बात पे जोर देना चाहिए, और जो एम्बुलेंस वाले हैं उनको एक निश्चित स्थान दिया जाए कि तुमको इसी स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, जिसपे जिस पेशेंट को अपने पेशेंट को कहीं से ले जाना हो या एम्बुलेट कराना हो लाना हो, उसको प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए, कहीं नंबर डिस्प्ले करावे, वहाँ से आदमी नंबर उसको फ़ोन करे कि इसे ना कि किसी हॉस्पिटल के आसपास 5-7 पेशेंट रहते हैं, उनका काम ही रहता है कि इस हॉस्पिटल में घुस करके पेशेंट के
तीमारदार बनकर रिश्तेदार बन करके जाएंगे, पेशेंट को भड़काते हैं, फिर इसमें से उसमें ट्रांसफ़र कराना, उस हॉस्पिटल से तीसरे में कराना, उनको वहाँ मोबिलाइज करना। पेशेंट को इस बात से अनभिज्ञता रहती है कि इसके पीछे राज क्या, और इसका खामियाजा पेशेंट या पेशेंट के तीमारदार को ही भुगतना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले हमारे संज्ञान में आया था कि फातिमा हॉस्पिटल के आसपास जो यहाँ के प्रशासन ने काफ़ी दबाव डाला था, तो गाड़ी खड़ा होना बंद हुआ था, लेकिन अब पुनः चालू हो गया। फातिमा के आसपास एम्बुलेंस वाले रहते हैं, फिर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल उनके आसपास दो चार एम्बुलेंस, 10 एम्बुलेंस खड़े रहते हैं। वो ये सवाल ये नहीं है कि वो वहाँ पर खड़े हैं, एम्बुलेंस कराना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनका काम ही मेन मोटो ये रहता है कि इस हॉस्पिटल से दो पेशेंट को निकाल करके उसमें ट्रांसफ़र करा देना, दूसरे का ला करके इसमें करा देना, यहाँ के उठा करके बनारस शिफ्ट करा देना, यही सब काम रहता है। तो इस चीज़ पे प्रशासन को चाहिए कि संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। ये जो इतना बड़ा गेम चल रहा है एम्बुलेंस का, तो अकेले एम्बुलेंस वालों के तो बस की बात नहीं होगी कि उन लोग ऐसा कर लें, क्या लगता है कि इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है? निश्चित तौर पे होगी, प्रशासन भी होगा इसमें। जितने झोला छाप डॉक्टर टाइप के हैं लोग जो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो वही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर ये सब काम करेगा ही नहीं। सेटिंग के चक्कर में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं काम करना चाहेगा मेरे ख्याल से। बाकी एक मुख्य सवाल आपसे और करना है, जैसा कि यहाँ 90% ऐसे हॉस्पिटल और क्लिनिक खुली हुई है कि जहाँ पर सिर्फ नाम उनका हॉस्पिटल का चल रहा है और तमाम दूसरे डॉक्टर आते हैं और वो आके सर्जरी करते हैं, नहीं आए तो इमरजेंसी केस कहीं और रिफर होता है या केस बिगड़ जाता है, तो क्या यही आपके यहाँ भी है या कि आपके यहाँ कुछ अलग? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बोर्ड पे भी डिस्प्ले पे है कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं। सबसे पहले हमारे हर हॉस्पिटल में 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर सारे प्रकार के केस लिए जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ही सारे केस को अटेंड करते हैं, जिनकी बेसिक योग्यता लिखी हुई है उस पर। अगर पेशेंट या मरीज का रिश्तेदार, वो सारे चीज़ हिंदी में लिखे हुए हैं, अगर पेशेंट संतुष्ट है तभी अपना इलाज कराता है। और हाँ, हमारे यहाँ जनरल सर्जन और मेडिसिन के डॉक्टर की व्यवस्था है, जो ज़रूरत पड़ती है आकर के विजिट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट करते हैं। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।